नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मायापति की माया। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मयंक ऋषि के आश्रम में अनेक शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन, शिष्यों आज मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा ज्ञान वर्धन होगा, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। एक बार नारद जी विष्णुलोक पहुँचे। उन्हें देख भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। आओ नारद, प्रणाम प्रभु। उन्हें देख लक्ष्मी जी उठकर चली गई। ये देख प्रभु, लगता है देवी लक्ष्मी साधु संतों से नाराज है। तुम ऐसा क्यों समझते हो नारद? भगवान, देवी लक्ष्मी मुझे देखकर यहाँ से उठकर चली गई, इसी से मैंने ऐसा कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं तो माया मोह से दूर हूँ। ऐसा? हाँ प्रभु, मैं वास्तव में ही माया मोह से दूर हूँ। नारद को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। नारद, मेरा बल तो मेरी माया ही है। चलो छोड़ो, तुम्हारे पास यदि समय हो तो आज तुम मेरे साथ पृथ्वी पर एक रमणीक जगह पर चल सकते हो। भगवान, हम ठहरे रमते जोगी, हमारे पास तो समय ही समय है, तो आओ हमारे साथ। गरुड़ पर सवार हो दोनों चल पड़े पृथ्वी की ओर। पृथ्वी पर वे एक वन में उतरे। वास्तव में ही बड़ा रमणीक स्थान है ये तो प्रभु। आओ वन में थोड़ा घूमते हैं नारद। वे दोनों वन में भ्रमण करने लगे। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। घूमते घूमते वे एक सरोवर के तट पर पहुंचे। नारद, इस सरोवर में स्नान करने से मन को शांति मिलती है। अच्छा प्रभु? हाँ नारद, चाहो तो तुम इस सरोवर में नहाकर देख सकते हो। भगवान, आपने तो मेरी मन की बात कह दी, मेरा मन स्वयं इस सरोवर में स्नान करने को कर रहा है। नारद जी ने अपने कपड़े उतार कर तट पर रखे और बिना भगवान विष्णु को दे सरोवर में स्नान करने चले गए और सरोवर के अंदर वे डुबकी लगाने लगे। डुबकी लगाकर जब उन्होंने पानी से सिर ऊपर निकाला तो वे एक सुंदर युवती बन गए थे। ये देख विष्णु मुस्कुराए और तत्काल वहां से अदृश्य हो गए। युवती के रूप में परिवर्तित हो जाने पर नारद अपने पहले स्वरूप के विषय में भूल गए। मैं कौन हूँ? इस बियावान वन में कैसे आ गई? इस वन में हिंसक जीव जंतुओं ने अगर मुझे अपना आहार बना लिया तो? डरती सहमती वो वन में चल दी। उस वन में राजा तालध्वज अखेट करने आए हुए थे। सुंदर युवती को वन में देख तालध्वज चौंक पड़ा। तुम कौन हो सुंदरी? कहाँ की निवासनी हो? मुझे अपने विषय में कुछ पता नहीं है राजन। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। राजा तालध्वज को उससे सहानुभूति हो आई। किसी गर्दिश की मारी लगती है ये सुंदरी। वो उससे बोला, सुंदरी तुम हमारे साथ हमारे नगर चलोगी? चलूंगी राजन। तालध्वज ने उसे अपने साथ ले लिया। तालध्वज उसे अपने महल में ले आए। आज से तुम यहाँ रहोगी। युवती के रूप सौंदर्य ने तालध्वज को विचलित कर दिया था। युवती हमारे मन से निकल ही नहीं पा रही है, उसके रूप सौंदर्य ने जादू सा किया है मेरे पर। उससे रहा नहीं गया, वो उसी समय युवती के कक्ष में गया। राजन आप इस समय? युवती हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? युवती क्या तुम हमारी अर्धांगिनी बनना पसंद करोगी? राजन मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ जो आपने मेरे सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा, इसे मैं तुम्हारी स्वीकृति समझूं। जी राजन। युवती हम तुम्हारा नामकरण करते हैं, आज से हम तुम्हें केतकी कहकर पुकारा करेंगे। और फिर तालध्वज ने केतकी से विवाह कर लिया। केतुकी, तुम्हारे रूप में हमारे हाथ एक अनमोल हीरा लगा है। महाराज आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा करते हैं। केतकी बने नारद तालध्वज के साथ संसार की मोह माया में डूब गए। तालध्वज केतुकी को बहुत चाहता था। महाराज कभी दरबार में भी तो आया कीजिए।
महाराज कभी दरबार भी हो आया कीजिए। क्या करूं केतकी, तुम्हारे पास से हटने को मन ही नहीं करता। एक दिन महाराज मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच? हाँ महाराज। ओ केतकी, ये समाचार देकर तुमने हमें अनगिनत खुशियाँ प्रदान की है। राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई। दोनों अब पुत्र के मुंह में आकंठ डूबे रहने लगे। कितना प्यारा लग रहा है हमारा चंद्रध्वज, किसी की नज़र ना लग जाए मेरे लाल को। समय बीता, केतुकी को एक पुत्र और एक पुत्री और हुई। पुत्र का नाम उसने सूर्यध्वज और पुत्री का नाम चंद्रिका रखा। केतुकी सोचती, मैं संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, सब सुख है मुझे। वो अहंकार में डूबी रहने लगी। केतुकी बने नारद पिछले जन्म को भूल संसार की मोहमाया में डूब गए। समय कितने तेजी से बीता कुछ पता ही नहीं चला। महाराज चंद्रध्वज युवा हो चला है, क्या उसका विवाह नहीं करना है? केतुकी, अच्छी याद दिलाई तुमने। विजयनगर के राजा की पुत्री अजया का प्रस्ताव चंद्रध्वज के लिए आया है। तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? महाराज, सुना है कि विजयनगर की राजकुमारी विजया अपूर्व सुंदरी है। विजया के बारे में सुना तो हमने भी कुछ ऐसा ही है केतुकी, तो ये रिश्ता पक्का? तुम जैसी सुंदर स्त्री की विजया जैसी ही बहू होनी चाहिए। या क्या कह रहे हैं महाराज, कुछ उम्र का भी तो ख्याल कीजिए। केतुकी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम इस उम्र में भी गजब की आकर्षक लगती हो। महाराज केतुकी किसी बोटसी युवती की तरह शर्मा कर रह गई। उसी दिन तालध्वज सपरिवार प्रशांत वन की ओर चल दिया। वन में उसने सपरिवार कुल देवता की पूजा अर्चना की। जब वे वन से लौटने लगे, ओह, शेर का जोड़ा! वो कुछ कर पाता इससे पहले ही शेर और शेरनी ने रथ में बैठे सूर्यध्वज और चंद्रिका पर आक्रमण कर दिया। और फिर बचाओ माँ, पिताजी! वे कुछ नहीं कर पाए और हाय मेरे बच्चे! चंद्रिका और सूर्यध्वज मर चुके थे। केतकी का आक्रोश तालध्वज पर फूट पड़ा। आपने मेरे बच्चे को शेर से बचाया क्यों नहीं? केतकी, नादानों जैसी बात ना करो। शेरों पर बिना आक्रमण किए हम चंद्रिका और सूर्यध्वज को कैसे बचा सकते थे भला? कुल देवता का दर्शन करने जब राज परिवार के लोग इस वन में आते हैं, तो किसी भी जीव जंतु को जान से मारना या घायल करना राज परिवार के सदस्य के लिए वर्जित है। केतकी, भाड़ में जाए राज परिवार के ऐसे नियम कानून। केतकी, तुम क्या सोचती हो? हम अपने बच्चों के ऐसे दर्दनाक अंत का कोई दुख हमें अपने बच्चों के ऐसे दर्दनाक अंत का कोई दुख नहीं है। तालध्वज दुखी मन से अपने नगर लौट आया। केतकी अब दुख रहने लगी, मेरे बच्चों का कैसा दर्दनाक अंत हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उन्हीं दिनों शत्रु राजा ने तालध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। विजया और केतकी ने अपने अपने पतियों का तिलक किया। जाइए महाराज, युद्ध में विजयी होकर वापस लौटना। तब वे दोनों सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दिए। युद्ध में जीत तालध्वज की सेना की ही हुई। हुर्रे, हम जीत गए। पर तालध्वज एवं चंद्रध्वज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। महल में दोनों के शवों को लाया गया। हाय, मेरा तो सुहाग और गोद दोनों ही उजड़ गई। उस सदमे से विजया की हृदय गति रुक गई। बहू भी मेरा साथ छोड़ गई। वो विलाप करने लगी। तभी एक तपस्वी वहां आया। रानी, तुम रोती क्यों हो? मेरे पुत्र, पति, बहू सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तब रो नहीं तो और क्या करूं? रानी, मृत्यु से भला कोई जीता है? व्यर्थ में रोकर क्या प्राण गंवाना चाह रही हो तुम? जो मेरे थे मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं? रानी, हिम्मत रखो और शास्त्रों के अनुसार मृतकों का क्रियाकर्म करो, फिर मेरे साथ चलकर इनका तर्पण करना।
केतकी ने दुखी हृदय से पति पुत्र और पुत्रवधू का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात आओ रानी, अब मेरे साथ अपने प्रियजनों का तर्पण करने चलो। तपस्वी उसे इस सरोवर के तट पर ले आया। रानी, पहले तुम सरोवर में स्नान करो। केतकी ने सरोवर में डुबकी लगाई। जल से बाहर अब केतकी की जगह नारद जी मिले। तभी तपस्वी की जगह भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। लो नारद, अपने कपड़े और बीना संभालो, बहुत देर तक सरोवर में नहाए तुम तो। सरोवर से निकल नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। आपकी माया अपरंपार है प्रभु, आखिर माया मोह के चक्कर में साधु साधु नारद तुम भी फंस गए। केतकी के रूप में नारद जी पर जो बीता उन्हें सब याद रहा। भगवान, आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया, मेरी बंद आंखें खोल दी आपने। देख लो नारद, माया मोह से कोई भी नहीं बच सका है और ना बचेगा। आपने सच कहा प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, उससे कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं। उसी समय लक्ष्मी भी वहां प्रकट हुई। क्यों नारद जी, क्या हालचाल है? नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। आप तो मायापति की माया है देवी, आपको मेरा बार बार प्रणाम। नारद जी, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का शीशा हमेशा ही टूटता है। हाँ देवी, अहंकार का दर्पण टूट कर ही रहता है। और फिर नारद वहां से चल दिए। उन्हें जाते देख, आओ देवी, अब हम भी विष्णु लोक को चलें। चलिए स्वामी। गरुर पर बैठ भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी विष्णु लोक को चल दिए। शिष्यों, इस पौराणिक कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? गुरुदेव इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली है कि अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।